बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। टॉपिक है डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन है रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल क्वांटिटीज सच डेट इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी केस इंक्रीज और डिक्रीज इन अदर क्वांटिटी केस। इसका मतलब ये है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होता है तो दूसरा जो क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज होगा। अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज होता है तो दूसरा जो क्वांटिटी है वो भी डिक्रीज होगा। अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, अगर आप देखें कि हम दो मैग्नेट लें और एक मैग्नेट की जो मकदार है, फॉर एग्जांपल 500 ग्राम एक मैग्नेट है, दूसरा मैग्नेट भी 500 ग्राम है, और 1 मीटर के पास ले पर अगर आप ये रख ले तो इसकी जो असरात है एक दूसरे पर वो ज़्यादा होगा बनिस्बत उस मैग्नेट की जिसकी जो ग्राम है वो कम होगा। फॉर एग्जांपल आप 200 ग्राम की मैग्नेट ले और एक दूसरा भी 200 ग्राम की मैग्नेट ले तो ये इसके असरात कम है बनिस्बत उस मैग्नेट की जो आपने 500 ग्राम ली है। मतलब ये कि वेरिएशन में इंक्रीज, एक क्वांटिटी इंक्रीज होता है सडनली दूसरा क्वांटिटी वो भी इंक्रीज होगा। इस पर मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन है कि देयर इज अ डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 7 एंड वाई इज इक्वल टू 49। फाइंड वाई एंड एक्स इज इक्वल टू 9। इसका मतलब ये आप डायरेक्ट वेरिएशन फाइंड करें एक्स स्क्वायर वाई की। पहले एक्स भी गिवन है, वाई इसलिए गिवन है कि इस एक्स और वाई की हेल्प इन एक्स और वाई की मदद से मैं के की वैल्यू फाइंड करता हूँ, इसलिए एक्स और वाई दोनों गिवन है। फाइंड वाई, इसका मतलब यह है कि एक्स 9 है और आप वाई की वैल्यू फाइंड करें। तो स्टूडेंट वी नो दैट डायरेक्ट वेरिएशन है कि वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू, डायरेक्ट वेरिएशन मैंने चेंज किया एक कांस्टेंट को, वाई इज इक्वल टू के एक्स मैंने लगाया, वेयर के इज अ कांस्टेंट। इसमें के क्या है, कांस्टेंट है। नो व्हेन एक्स इज इक्वल टू 7 वाई इज इक्वल टू 9, जब मैंने स्टूडेंट इस एक्स और वाई को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो स्टूडेंट आप देखिए ये क्या है, y की वैल्यू 49 है इज इक्वल टू के, एक्स की जगह मैंने 7 लिखा, 7 स्क्वायर 7 था 49, तो फिर मैंने 49 बोथ साइड डिवाइड किया, ऑटोमेटिकली के इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब स्टूडेंट मैंने के की वैल्यू फाइंड किया, फिर स्टूडेंट हमें पता है कि y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर है, y मैंने अपनी जगह पर लिखा इज इक्वल टू के की जगह 1 लिखा, और स्टूडेंट x क्या है, x ऑलरेडी आपने ली है 9 है, तो x की जगह मैंने 9 लिखा, 9 स्क्वायर y इज इक्वल टू 9981। स्टूडेंट एक और क्वेश्चन है कि देयर इज एन इनवर्स, इनवर्स वेरिएशन क्या है। आपने ऑलरेडी डायरेक्ट वेरिएशन आपने पढ़ लिया, इनवर्स रिलेशन ऑपोजिट है। अगर एक वन क्वांटिटी इंक्रीज होता है तो दूसरा ऑलरेडी डिक्रीज होता है। अगर फॉर एग्जांपल आप एक मैग्नेट लें, जब आप फासला ज़्यादा करते हैं मैग्नेट दो मैग्नेट के दरमियान तो इसलिए उसके असरात कम होते हैं, जब फासला आप कम करते हैं तो असरात ज़्यादा होते हैं। दिस इज इनवर्सली वेरिएशन। तो इस इनवर्सली वेरिएशन पर मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ स्टूडेंट। क्वेश्चन ये है कि देयर इज एन इनवर्स वेरिएशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स इज इक्वल टू 4 वाई इज इक्वल 24। इसका मतलब यह है कि आप इनवर्स वेरिएशन फाइंड करें, के की वैल्यू फर्स्ट ऑफ फाइंड करें, एक्स भी हमारे पास है 4, वाई भी हमारे पास है, ठीक है, फिर वाई इज इक्वल टू, वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स है, वाई इज इक्वल टू के 1 बाई एक्स,
y इज इक्वल टू के वन आर के बाई एक्स इक्वेशन में वन मैंने नाम दिया वेयर के इज अ कांस्टेंट। ठीक है, अब बस मैं के की वैल्यू फाइंड करता हूँ, एक्स इज इक्वल टू फोर है देन y इज इक्वल टू 24 है। ठीक है, जब आप एक काम करें आप k की वैल्यू पुट करें, आप k क्या है कांस्टेंट, मैं तो k की वैल्यू फाइंड करता हूँ स्टूडेंट। जब आप एक काम करें इधर देखिए तो 4 बोल से मल्टीप्लाई करें 424 64 है। ठीक है, पुटिंग k इज इक्वल टू 96 इन इक्वेशन 1। स्टूडेंट अगर आप देखें तो y इज इक्वल टू के वाई एक्स इक्वेशन नंबर 1 ये है, वी हैव y इज इक्वल टू 96 डिवाइड बाई एक्स, तो मैंने नाम इक्वेशन 2 दिया 1, यानी पुटिंग x इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 2, वी हैव y इज इक्वल टू 96, x की जगह आप 12 लिख के तो 12 96 डिवाइड बाई 12 से आता है y इज इक्वल टू 8।